यूपी कॉलेज से आप देख सकते हैं इस तरह से किस तरीके से भगदड़ मच गई है। अगर ये लोग मजार पढ़ सकते हैं 500 की संख्या में तो हम लोग हनुमान चालीसा करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग नमाज पढ़ने इतनी तादाद में ना आए। आज हम लोगों को रोका जा रहा है राजा सिंह जी के मूर्ति। यूपी कॉलेज से आप देख सकते हैं इस तरह से किस तरीके से भगदड़ मच गई है और लोग बैरिकेडिंग को तोड़ करके अंदर जा रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए आप पीछे देखिए, जबरदस्ती अंदर घुसने की भी कोशिश देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं की जा रही है। भारी मात्रा पे यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप नारे को भी देखिए जिस तरीके से नारे यहाँ पे चल रहे हैं, आप दिखाइए अंदर चलेंगे उनसे बात करेंगे। राजश्री महाराज पूछे यहाँ पे हम लोग, अगर ये लोग मजार पढ़ सकते हैं 500 की संख्या में तो हम लोग हनुमान चालीसा करेंगे। और रही बात की हम छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जय श्री राम। आज हम लोगों को रोका जा रहा है हम लोग माल्यार्पण करने जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा हम लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। भगदड़ मच रही है, काफी भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं। यहाँ पे माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका नारा एक ही है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि वो लोग नमाज पढ़ने इतनी तादाद में ना आए। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे हालांकि काफी मुस्तैद है, लोग यहीं पे बैठ गए हैं। अब हम लोग यहीं पे बैठेंगे और यहीं पे रहेंगे जब तक छात्रों के हित में फैसला नहीं आएगा और जब तक प्रशासन और वक्त बोर्ड हम लोग का फैसला नहीं मांग लेगी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने ना, तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। अंदर जय श्री राम। ये देखिए ताला यहाँ पे लॉक कर दिया गया है, यहाँ ताला बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। प्रशासन अंदर है, स्टूडेंट भी अंदर है, एग्जाम्स भी चल रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्स भी चल रहे हैं यूपी कॉलेज में। शुक्रवार का दिन है आज और हम और भी लोगों से बात करेंगे, अंदर चलेंगे। कोई भी धरना देने धरना यहाँ पे चल रहा, कोई भी नमाज पढ़ने यहाँ पे नहीं आएगा। पहली बात, ये कॉलेज की जमीन है और ये राजश्री बाबा की जमीन है, हम छात्रों की जमीन है, छात्रों की जमीन है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। यहाँ पे अब इन्हें गेट से बाहर किया जा रहा है, गेट से इन्हें बाहर किया जा रहा है, आप दिखाइए। और ये लोग अडिग हैं और ये देखिए हाथापाई भी चल रही है पुलिस के बीच में, ये रोक पुलिस के द्वारा, आप इसे भी दिखाइए। ये लगातार ये खबरें निकल करके सामने आ रही है, भगवा झंडा के साथ लोग पहुंचे हुए हैं अंदर। क्या कहेंगे? मीडिया भी अंदर है और अब धीरे धीरे इन्हें बाहर किया जा रहा है, मुख्य द्वार को बंद करके इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और आप दिखाइए जिस तरीके से जय श्री राम के नारों से पूरा उदय प्रताप कॉलेज गूंज उठा है और सड़कों पे जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पे देखिए, जबरदस्ती बैठने की कोशिश भी हो रही है, पुलिस प्रशासन इन्हें हटा रही है। ये हाल है वाराणसी का, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के किनारे यहाँ पे लग रहे हैं और 50 मीटर दूर इन्हें यहाँ पे। उदय प्रताप कॉलेज के वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष में हमारे साथ हैं। क्या माहौल चल रहा है यूपी कॉलेज में, इतना हंगामा देश में पूरे यूपी कॉलेज चर्चा में बना हुआ है? माहौल कुछ यही बस मस्जिद का लेके है, वक्फ बोर्ड वाले ने अपना दावा ठोका था कि ये पूरी जमीन हमारी है, बस उसी को लेके बवाल हो रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यही है कि वक्फ बोर्ड वाले ने अपनी नोटिस जारी कर दी है कि वो जमीन हमारी नहीं है, तो जब उनकी जमीन नहीं है तो वो अपनी खाली करके यहाँ से जाए। हिंदू संगठन भी आया था काफी, वो करके गया, प्रदर्शन करके गया। सब अपने भाई थे और प्रशासन भी हमारे साथ ही है,
बस हम लोग एक बजने वाला था, नमाज का समय हो रहा था, तो कोई नमाजी अंदर ना घुसे, बस इसलिए हम लोग। अच्छा, नमाजी कब से अंदर नहीं जा रहे हैं? नमाजी जब से हम लोग प्रशासन के हाथ में दिए तब से नमाजी अंदर नहीं जा रहे हैं। कितने दिनों से? कितने दिन? मंगलवार से। मंगलवार से नमाजी अंदर नहीं जा रहे हैं। तो अब आगे भी आगे क्या आप देखते हैं, आगे नमाजी अंदर जाएंगे या फिर रोका जाएगा पूरी तरह से? प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया है कि कोई नमाजी अब अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का फैसला आ गया है कि हमारे पास कागज़ है, जब वो कागज़ दिखाएंगे अपना कि हमारी ज़मीन है तब अंदर जाएंगे, नहीं तो वरना अंदर नहीं जाएंगे। वो पूरी तरह से यानी रोक लगा दी गई, पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यूपी कॉलेज के बाहर हंगामा अभी बहुत ही हो रहा था, जिसको कंट्रोल में किया गया है। हमारे साथ ACP मौजूद है, ACP कैंट। सर, कितना अभी माहौल क्या चल रहा है? अभी माहौल ठीक है, अंडर कंट्रोल है। वार्ता करके, बातचीत करके और थोड़ा सा जो भी ऐसे उग्र एलिमेंट हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके माहौल को शांत कराया गया है। अभी कोई ऐसी समस्या की वो नहीं है, और पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और तैनात है, मुश्तैद है। ज़बरदस्ती अंदर की घुसने की भी कोशिश की जा रही थी, जैसा कि हमने देखा है जी। तो जी, जो डिमांड थी, जो छात्रों का समूह आया था, वकीलों का समूह आया था, उनका माल्यार्पण करने का प्रोग्राम था, जो ना कि किसी सूचना के और ना ही किसी अनुमति के आया था, तो उसी द्वारा उन्हें लौटाया गया, समझा बुझा के लौटा दिया गया है। और ये बताइए कि नमाजियों का प्रवेश अब तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है या फिर आगे भी कुछ? नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, प्रधानाचार्य द्वारा हमें लिखित में भी दिया गया है कि क्योंकि कॉलेज परिसर में एग्जाम चल रहे हैं और बाहरी तत्वों द्वारा आके यहाँ के सांप्रदायिक माहौल का बिगाड़ा जा रहा है, तो अभी बाहरी तत्वों का यहाँ पर प्रवेश वर्जित है पूर्णतः। तो ये थे हमारे साथ ACP कैंट। हमारे साथ एडिशनल DCP मौजूद हैं शहर के। सर, आज नमाजियों को अंदर जाने से रोका जा रहा है या फिर नमाज होगी? ये यूपी कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स में कोई इश्यूज़ क्रिएट ना हो, हमारे पास इनपुट है कि मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ बाहर तथ्य हैं, बाहर तथ्य इसको को इनपुट्स मिली हैं, कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर्याप्त पुलिस का फोर्स तैनात किया गया है। और एक अंतिम सवाल भी इनसे लेंगे कि छात्रों के जो छात्र हैं अंदर, उन पे जो पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए थे उन पे, और अभी अंदर एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो इसे कैसे डील कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये जो इशू चल रहा था वो प्रिंसिपल की तरफ से एक तहरीर दिया था, वो तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। और बस यही है कि आज एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स में कोई इश्यूज़ ना हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ फोर्स तैनात किया गया। कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, सर क्या कहेंगे? हम यहाँ पे कैंपस में आए थे, आज हम लोग यहाँ के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, 2013 में छात्र संघ महामंत्री रहे हैं, वर्तमान में अधिवक्ता हैं। हम सभी अधिवक्ता बड़े भाई जो यहाँ से कैंपस से पढ़े हैं, यहाँ से आपको पता होगा पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, VP सिंह यहाँ के प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष थे, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में ललित उपाध्याय ओलंपियन है। इस कैंपस ने देश को बहुत कुछ दिया है, एक प्रशासनिक क्षेत्र में से लेके वकालत के क्षेत्र में, यहाँ कचहरी में वर्तमान समय में हजारों वकील इस कैंपस से पढ़े हैं। जिला प्रशासन द्वारा छात्र नेताओं को परेशान किया जा रहा था, उन पर दबाव बनाया जा रहा था, उनकी गिरफ्तारी दिली जा रही थी, पर वो इनको ये नहीं समझ में आया जिला प्रशासन छात्रों को रोक सकता है, हम अधिवक्ताओं को नहीं रोक सकता है, हम अपनी बात मानेंगे। आई कार्ड, आधार कार्ड देके यहाँ पे एंट्री दी जा रही थी, जो कि एकदम गलत है। कोई गार्जियन आ रहा है तो कैसे निर्धारित होगा कि उस आधार कार्ड पे ये बच्चा का गार्जियन है कि नहीं? तो वैसे भी हम लोग नियमित की तरह से हमेशा सुबह कैंपस में भी दौड़ने आते हैं, टहलने आते हैं, हम लोग राजर्षि जी की पूजा करने जा रहे थे, जिला प्रशासन द्वारा हमें रोक दिया गया, उसी के यहाँ पर विरोध हुआ, हमने जय श्री राम के नारे लगाए और हमने यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ किया, बस यही बात है। कुछ लोगों का यह कहना था कि पुलिस प्रशासन के साथ आप लोगों ने जबरदस्ती की और मुर्दाबाद के नारे भी लगे, ऐसे भी बातें हो रही है। भाई क्यों ना लगे, इस कैंपस से हम लोग का आत्मीयता जुड़ाव है। इस कैंपस राजर्षि जी को, आपको बता दें, राजर्षि जी को कोई संतान नहीं थी, उन्होंने इस कैंपस का बनाने का उनका मेन मकसद था कि जो इस कैंपस से छात्र छात्राएं पढ़ेंगी वो उनके राजर्षि पुत्र और राजर्षि पुत्री के रूप में रहेंगी। तो हम लोग का ये तो पिता तुल्य, हमारे घर पर कोई कब्जा करेगा तो हम किसी को छोड़ेंगे? आज आपके घर पर कोई आएगा तो आप उसको जवाब देंगे? तो ये हमारा घर है, ना कि कोई कैंपस है, ना कोई कॉलेज है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने आए, और यहाँ पे कोई माहौल बिगाड़ेगा तो चाहे जो भी हो उसको हम लोग उसको माहौल खराब कर देंगे। और वाकई बोर्ड को चेतावनी देना चाह रहे हैं, वो पूरे भारत में अपना कब्जा बनाए जाए, जो करे, पर इस कैंपस की ओर अगर आंख निकाल देखे तो उनको, उनके साथ उनका जो होगा देखा जाएगा।